उधर प्रदेश के बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आ रही है। रियल एस्टेट मार्केट में पहले से छाई मंदी और अब कोरोना संकट के चलते बिल्डर और डेवलपर्स पर आर्थिक बोझ कम करने को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। क्या है ये फैसला और क्या सहूलियतें दी गई हैं, फर्स्ट इंडिया की इस खास रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश के बिल्डर्स और डेवलपर्स काफी समय से मांग कर रहे थे कि रियल एस्टेट मार्केट में मंदी के चलते बेटरमेंट लेवी जमा कराने को लेकर सरकार की ओर से राहत दी जाए। इसके लिए बेटरमेंट लेवी को जमा कराने के नियमों को सरल किया जाए। इसके बाद अब शुरू हुए कोरोना संकट में प्रदेश के बिल्डर्स और डेवलपर्स की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ऐसे में इन्हें राहत देने के लिए सरकार ने बेटरमेंट लेवी वसूलने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने पत्रावली पर इस बदलाव को मंजूरी दे दी है। नगरीय विकास विभाग की ओर से जल्द ही इस बारे में आदेश जारी किए जाएंगे। आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर बेटरमेंट लेवी क्या है और इसमें राहत की मांग क्यों उठाई जा रही थी। दरअसल निर्धारित क्षेत्रफल तक के निर्माण के लिए बिल्ड एरिया रेशियो तय है। भवन विनियमों के तहत ये रेशियो यानी बिल्ड एरिया रेशियो तय किया गया है। अतिरिक्त निर्माण स्वीकृति के बदले निकाय बेटरमेंट लेवी वसूलते हैं। नक्शा जारी होते ही बिल्डर्स 25% राशि एडवांस जमा कराती थी। शेष राशि 25-25% की 3 अर्धवार्षिक किश्तों में जमा होती थी। इसके लिए बिल्डर को निकाय में पोस्ट डेटेड चेक जमा कराने पड़ते थे। लेकिन बिल्डर्स का तर्क है कि अतिरिक्त निर्माण के स्टेज में 1 साल लगता है, निकाय में लेवी की 1 किश्त पहले ही ले ली जाती है। बुकिंग ना हो पाने की स्थिति में पोस्ट डेटेड चेक बाउंस होते हैं, जिससे बिल्डर्स और निकाय के बीच कानूनी विवाद बढ़ते हैं। मौजूदा कोरोना संकट ने बिल्डर्स की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में सरकार ने तय किया है कि वसूली को लेकर बिल्डर्स पर बेवजह आर्थिक बोझ नहीं डाला जाए। आपको बताते हैं कि सरकार के स्तर पर किए गए नए फैसले के अनुसार अब बेटरमेंट लेवी जमा कराने की क्या प्रक्रिया होगी और इस फैसले का क्या असर होगा। अब 20-20% की 5 छमाही किश्तों में बेटरमेंट लेवी देनी होगी। पहली किश्त नक्शा जारी होने के 1 साल बाद देनी होगी। इससे बिल्डर को भविष्य की योजना बनाने में मदद मिलेगी। बिल्डर अतिरिक्त निर्माण करने या न करने का फैसला कर सकेगा। बिल्डर ये तय कर सकेंगे कि अतिरिक्त निर्माण की डिमांड है या नहीं। मांग न होने पर मानक बिल्ड एरिया रेशियो तक भवन निर्माण का विकल्प होगा। राशि जमा कराने के लिए अब 2 की बजाय 3.5 साल मिलेंगे। बेटरमेंट लेवी देने के लिए राशि जुटाने में आसानी होगी। रियल एस्टेट बड़ी तादाद में रोजगार देने वाला क्षेत्र है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार इस क्षेत्र की मुश्किलों को आसान करे। बेटरमेंट वसूली को लेकर राज्य सरकार का ये नया फैसला इसी दिशा में एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण कदम है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए जयपुर से अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।